पंडाल में हुआ दुर्गा माँ का आगमन। पूजा कुणाल, पारस शौमिता और अर्जुन बिजलानी की दुर्गा पूजा। पूजा संग करेंगे पंडाल की सैर। नवरात्रि चल रही है और ऐसे में पूजा की इच्छा पूरी हो चुकी है। उसका बचपन से ही सपना था कि वो देवी बिठाए और ऐसे में आज मिल गया है उन्हें मौका और इन्होंने अपनी माता रानी को नाम दिया है मुंबई ची रानी। और देखिए आज ये सभी कितने खुश और एक्साइटेड हैं। वैसे आज पूजा भी गहनों से लदी सजी धजी है। देखिए कैसे उन्होंने की माता रानी की मुंह दिखाई, किया डांस और किया देवी माँ का स्वागत। बोलो दुर्गा माता की। तो आइए अर्जुन और पूजा से ही जानते हैं आज का दिन उनके लिए कितना स्पेशल है। मुंबई ची रानी के दरबार में पहले गेस्ट अर्जुन बन के आ चुके हैं और अर्जुन कितना एक्साइटमेंट है। पहले तो माँ का जो मुख दर्शन किया है आज, बहुत ही सुंदर। मेरा सौभाग्य है, मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मतलब किसी को भी बोलते तो वो आ ही जाता और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आया, सबसे पहले आया और मैंने दर्शन लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मैं कोलकाता गया हुआ हूँ, मैंने दुर्गा पूजा देखी हुई है तो मुझे पता है कि वो लार्जर देन लाइफ होती है और कैसे उसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो पूजा और कुणाल ने जो है ये इनिशिएटिव लिया है, पूजा ने खुद इतनी सुंदर लग रही है काष्ठा पहन के और जो देवी माँ की मूर्ति है उन्होंने भी काष्ठा पहना है। तो जो मुंबईकर हैं वो यहाँ आकर ज़रूर दर्शन ले। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंगाली त्यौहार है, जैसे गणपति उत्सव होता है, माँ उत्सव, तो सब लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। जहाँ अभी अभी गणपति माँ उत्सव ख़त्म हुआ और अभी अगर पूजा ने इतनी मुंबई ची रानी का नाम दिया है इन्हें, तो आई थिंक एक और आपको मौका मिलता है कि सब इकट्ठे आए और सेलिब्रेट करें इस माँ उत्सव को। और नवरात्रि सब मुंबई में सेलिब्रेट करते ही है और अब उनके पास सेलिब्रेट करने से पहले एक जगह है जहाँ पर वो एक महाआरती, एक भव्य दर्शन कर सकते हैं दुर्गा माँ का। और इतने और इन्होंने एक्चुअली जैसे कहते हैं ना, हमें बचपन में सिखाया जाता वो स्वर्ग में रहते हैं वैसे, तो इन्होंने वो एक्चुअली महल क्रिएट कर दिया यहाँ पर गोरेगांव में एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुली डन। अभी तो पूरी तरह पंडाल तैयार नहीं है लेकिन 8 तारीख से लोग यहाँ आकर दर्शन ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने ऐड की है ताकि लोग आए तो सिर्फ उन मतलब पूजा के साथ साथ एक एक्सपीरियंस भी मिले। तो बच्चों के लिए कई सारी चीज़ें अरेंज की है, परफॉर्मेंसेस होने वाली है। आई थिंक सिंगल हैंडेडली ऐसा कुछ अचीव करना वो इनका जो आशीर्वाद है तभी हो पाया है। हम लोग है ना टॉम एंड जेरी जैसे कभी कभी लड़ते रहते हैं, पर हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं और अर्जुन को मैंने एक फ़ोन किया और एक फ़ोन पे ही उसको मैंने जब बताया तो ही सेड आई एम कमिंग। और मुझे सच में दिल से इसलिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि क्या होता है ना, हमारे बहुत सारे काम होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं, बट अगर हमने किसी ने भी एक घंटा भी निकाला या आधा घंटा भी निकाला तो वो बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम फॉर दिस। और मैं चाहती थी वो यहाँ आए क्योंकि क्या है ना कि हम सबको ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ बंगालीज के लिए नहीं है। सब सोचते अरे दुर्गा पूजा हो तो सिर्फ बंगाली लोग जाते, नहीं, आप लोग आइए। जैसे कि अर्जुन ने कहा, सिर्फ दर्शन नहीं है, यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। मुंबई इज़ वेरी हैप्पी कि आप मुझे अगर जब भी माता रानी के दर्शन करने होंगे हर साल, मेरे को पता है मुझे कहाँ आना है और मैं हर साल आऊँगा और दर्शन ज़रूर ज़रूर लूँगा बिकॉज मैं बहुत मानता हूँ ऊपर वाले की ताकत में। और अब गणपति जी के साथ साथ जो मैं जाता हूँ और अपने घर पर भी रखता हूँ, अब माँ दुर्गा की पूजा भी हर साल मेरे साथ होगी। बोलो दुर्गा माई की जय। वैसे पूजा के सपने को पूरा करने में उनके पति कुणाल का काफी सपोर्ट रहा और देखे कैसे दोनों बंगाली अंदाज में रंगे हुए हैं। वैसे जहाँ पूजा ने आज कास्टा पहना है तो वहीं उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कुणाल। वैसे आज के दिन पूजा हो गई है काफी इमोशनल भी। पहले पहले वो हैं, फिर ये हैं और उसके बाद कोई नहीं है। सो ऑफ कोर्स जैसे हमने इनको आज रिवील किया हुआ है और आप सबके सामने लेकर आए इनको एज मुंबई ची रानी। पहले देख लीजिए उनका श्रृंगार, थोड़ा दिखाइए। ये मेरी इच्छा थी पर इस इच्छा को एक्चुअली सेंको गोल्ड ज्वेलर्स ने पूरा किया है।
इनको पूरे सोने से लद दिया है, और सिर्फ इन्हीं को नहीं, हमारे बप्पा को, माँ लक्ष्मी को, हमारे सिंह को भी सोने का मुकुट पहनाया है, और हमारी माता को तो उन्होंने सर से पांव के पायल तक, सर से मुकुट से लेके सोने में ढक दिया है, हमारी सरस्वती माँ, कार्तिक भगवान, क्योंकि ये चार इनके बच्चे हैं, तो माँ कभी अकेले नहीं आती, अपने बच्चों के साथ ही आती है। और दुर्गा पूजा है ना, बंगालीज के लिए एक इमोशन है, सो ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी कि दुर्गा पूजा मेरे लिए क्या महत्व रखती है। मैं बचपन से ही, मेरी माँ वहाँ बैठी, आप मैं माँ को एक बात आपसे पूछवाना चाहती हूँ, माँ सिर्फ मेरी, हाँ ये मेरी बचपन की दोस्त है, सबसे पहली दोस्त है मेरी लाइफ की मुनमुन, ये हमारी सौमिता जो है हमारी टीम, कोर टीम मेंबर, उनकी मम्मी है, इन्होंने बहुत साड़ियाँ पेंट की है, आप लोगों को मिलेगा ये सब साड़ियाँ खरीदने के लिए, इन्होंने हाथ से पेंट किया है बहुत सारी सुंदर साड़ी, मुंबई की ये दोस्त जो हमेशा मेरे साथ आती है इंडोला। और मैं मम्मी को ये पूछना चाहती हूँ, मम्मी मैं बचपन से ही चाहती थी, आप थोड़ा बताओ कि दुर्गा पूजा से क्या रिश्ता रहा। बांग्ला हिंदी थे, अच्छा नहीं, जब वो बचपन से ना उसका बहुत शौक था कि दुर्गा पूजा करेंगे, तब एकदम छोटी थी, तब कभी कहीं हम लोग घूमने जाते थे तो बोलते थे मम्मी मैं बड़ा होके ना मैं दुर्गा पूजा करूँगी, तो मैं हंसती थी, मैं बोला ठीक है बड़ा हो जाओ फिर करो, फिर उसका मन में वो था बचपन से। फिर 2 साल पहले फिर मुंबई में मुझे बोला कि वो ग्राउंड अगर मिल गया, दूसरा और एक ग्राउंड वो अगर मिल गया तो मैं दुर्गा पूजा करूँगी मम्मी, मैं बोला ठीक है करो। तो फिर वो खुटी पूजा भी हो गया कि कोई कारण में नहीं हुआ उधर, फिर वो भी दुखी हो गए, मैं बोला नहीं नहीं तुम्हारा बचपन से इच्छा है, मम्मी तुम्हारे पास आएंगे, देखो करो तुम सब ठीक हो जाएगा। फिर ये ग्राउंड मिल गया, फिर सब वो हो गया, तो मैं बोला रो मत, तो पहले दिन बहुत रो रहे थे जब माता, इसलिए मैं बोला दुर्गा पूजा करना कोई मामूली बात नहीं है, बोलना भी कि मैं दुर्गा पूजा करूँगी, तो मैं बोला कोई बात नहीं चिंता मत करो, माँ तुम्हारे पास आएंगे और तुमको आशीर्वाद भी देंगे और सब ठीक ठाक होगा। भाई त्योहार है और दोस्त साथ ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है, तो चलिए मिलते हैं पूजा और कुणाल के दोस्तों से, जिनमें उनके खास दोस्त शामिल हुए हैं। वैसे आज तो यहाँ दिख रही है एक और जोड़ी, जो कि है पारस और शोमिता की, जो बंगाली रंग में रंग गए हैं। वैसे कुणाल और पारस दोनों ही बंगाली नहीं है, लेकिन इन्होंने बंगाली अंदाज को पूरी तरह से अपना लिया है और इस दुर्गा पूजा में देखिए कैसे हो गए हैं शामिल। अरे बोलो दुर्गा माई की जय। अब मैं आप लोगों को दूसरे सेक्शन ले जाती हूँ, क्योंकि बंगाली पंडाल में अगर चुगलियाँ ना हो, गॉसिप ना हो, तो मजा नहीं आता। और अगर ये लड़की बताएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं बताऊंगा, आ जाओ। और हमारे साथ में देखो लड़कियाँ होती है पंडालों में तो भरी पड़ी रहती है, यहाँ लाल पीली साड़ियों में एक दो लड़कियाँ गायब हो गई है, अब वो पहले खा रही है फिर उसके बाद में चुगलियाँ करेंगी, क्योंकि एनर्जी भी तो चाहिए। सो खैर चुगलियों के साथ साथ मैं आपको ये मिलाना चाहूंगा, ये स्वागता है, आओ आओ बहन चुगली करें। सो ये है स्वागता, ये हमारी कोर कमेटी मेंबर है और हमारी पहले दोस्त हैं, और ये है शिवानी जो कि हमारी कोर कमेटी मेंबर है, और हमने शायद 20 दिन ही मिले होंगे अब, और हमारा बहुत अच्छा रिलेशन बन गया है बिकॉज इन्होंने हमें बहुत हेल्प किया है इन्होंने। सो ये बहुत दोनों चुगलियाँ जीजा जी की सभी चुगलियाँ कहते हैं ना, और नहीं मैंने यही बोला बंगाली दुर्गा पूजा का पंडाल में गॉसिप नहीं हो तो मजा नहीं आता, और ये हमारी गॉसिप क्वीन है, मतलब मजा कैसे आएगा फिर वरना। और भी बहुत सारी चीजें होती थी बचपन से, हम लोग है ना लड़का देखने जाते थे पंडाल में, लड़कियों और लड़के लड़कियों को देखने जाते थे, अब वो तो खत्म हो गया हम सबका, तो एटलीस्ट आपस में गॉसिप तो करेंगे। अब हम लोग सोच रहे हैं हम लोग पंडाल तो बना दिए हैं तो हम किसको देखें, सब शादीशुदा हैं यहाँ पे, पर मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कुछ बोलो इस पूजा के बारे में, हमारी माँ के बारे में, सब लोग प्लीज कुछ कुछ एक चीज ही बोलना है, सबने बोल दिया सब कुछ, पर मुझे एक चीज ही बोलना है कि मेरी जो दोस्त है पूजा, उसके साथ तो मैं कहीं भी चली जाऊंगी, वो बात तो नहीं है, मतलब वो दुर्गा पूजा करेगी और हम सब साथ नहीं देंगे तो होगा नहीं, ये तो घर की बात है, तो ऐसे ही बोलना है और कुछ नहीं।
हाँ, एक गाना हाँ, एक गाने के साथ में बुला लो किसी को प्लीज। और बंगाली है तो समझ ही लो, गाना तो हमारे रग रग में है। आज बंगाली में एक आज तो माहौल आया है, फर्स्ट डे है, तो एक थोड़ा सा दो लाइन में गाती हूँ। बहुत छोटे जब हम लोग थे तो ये सब गाना सुन के बड़े हुए थे। ओरे आज महालया माए घर तोरा उलूदेरे शंख बाजा प्रदीप तूले धर। ओरे आज महालया माए घर तोरा उलू तेरे शंख बजा प्रदीप तूले धर। थैंक यू सो मच। ये माँ के आगमन का संकेत है ये गाना, और मतलब ये सब सुन के गूज़बम्स आ जाता है मेरे को, आंखों में तो आंसू आ ही रहा है, पर काजल खराब नहीं होना चाहिए। सौमिता के पति को, पारस को, और मेरे पति को, क्योंकि दो बंगाली नहीं है हम सब बंगालियों में, बट ये दोनों ज्यादा है हम लोगों से इन्वॉल्व। तो पारस प्लीज कुछ, पारस प्लीज कुछ बोलो। मैं तो पूरा हाँ सोचो, ये बंगाली जामाई है हमारे जामाई बाबू है, जामाई बाबू। वाओ, अभी प्लीज पारस कम एंड से समथिंग। क्या मना चो तो भालो, थोड़ा थोड़ा आता, ज्यादा नहीं आता, बट बहुत अच्छा लग रहा है कि माँ आज हमारे यहाँ मुंबई में एक रानी बन के आई हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका ये पैलेस सालों साल ऐसी बना रहे, और हर साल हम इसी उल्लास के साथ और इसी जोश के साथ हर साल उनको यहाँ लेके आएं और उनकी पूजा करें। पूजा ने एक अर्चना सोची थी कि पूजा की पूजा होगी, तो देखो आज पूजा की पूजा हो रही है। हम सबको एक थैंक यू कहना चाहूँगा कि सबकी बहुत मेहनत है, दिन हो चाहे रात हो। नहीं नहीं थैंक यू नहीं, ये तो एक दिल का नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो ये शी एम्पावर्ड अस, मेरे को ये लगता है इसका पूजा है, लेकिन पावर ड्रिवन बाय पूजा, पावर ड्रिवन बाय पूजा, माँ किसी की नहीं। इसको मैंने देखा है, ये इतनी मेहनत करती है, इसको देख के हमें जोश मिल जाएगा, हमें लगता है नहीं हमें और ट्रिपल करना चाहिए। नहीं मैं सिर्फ ये एक चीज बोलना चाहूंगी, सपना मैंने देखा था, पूरा इन सब के वजह से हुआ है। पूजा बड़े ही दिल से माता रानी को लेकर आई हैं, साथ ही उन्होंने बड़े ही प्यार से इस पंडाल को सजाया है। तो आइए देखते हैं इस पंडाल की सजावट और देवी माँ का ये स्वरूप। अब मैं आपको अपनी माँ और पंडाल का एक टूर देती हूँ, चलिए। जब मैंने ये सोचा था कि पहली बार मैं अगर मुंबई में मेरी कोलकाता से माँ को ला रही हूँ, तो क्या खास हो सकता है, क्या अद्भुत हो सकता है जो लोगों ने कभी पहले ना देखा हो, ऐसा क्या करूँ, तो रानी तो वो है ही। तो मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं मैं उनके लिए एक महल बनाऊं और महल में उन्हें रानी जैसा सिंहासन पे बिठाऊं। क्यों वो खड़ी रहे 9 दिन, वो बैठे विराजमान हो, हम सबको आशीर्वाद दे। और ये जो है ये थीम मूर्ति है जो कोलकाता में आम बात है, यहाँ पहली बार हो रही है, तो इनका फेस जो है वो ह्यूमन फेस है और इतनी सुंदर है। पर आपको पता है जब ये इनका जो चक्षुदान होता है, ये गंगा मिट्टी से बनते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत स्पिरिचुअल प्रोसेस है, ये ऐसे ही कोई नहीं बनाता, इन्हें बनाते भी ब्राह्मण हैं। और इनकी पहले जो मिट्टी है उनकी पूजा होती है, सोनागाची से जो है मिट्टी आती है। और इसलिए मैं इस साल क्या हर साल देवी के ही हम जितनी औरतें हैं इस दुनिया में, इनकी कोई ना कोई अंश हमारे अंदर है और इनके बहुत सारे रूप हैं। तो वो किन्नर हो या वो आपके कोई भी, मतलब हम जितनी औरतें हैं इस दुनिया में, मैं सबको चाहती हूँ कि सब यहाँ आए। मैं खुद जाके पर्सनली इनवाइट करके आई हूँ। ऐसे बहुत सारे वर्ग के लोग हैं जो संकोच करते हैं आने में, जो डरते हैं कि क्या समाज हमें अपनाएगा। मैं चाहती हूँ वो सब आए, मैं उन्हें दिल से स्वागत करती हूँ सबका। और हमने यहाँ पर सब लोगों के लिए व्यवस्था की है, बहुत सारे अरेंजमेंट अब तो अभी चीज़ें हो रही है। और मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहूँगी हमारे पंडाल की, यहाँ लाइट चालू, मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी। ये खासियत है, ये पूरी आर्ट, पूरा टीम हमारा बंगाल से आया हुआ है। रूपम हमारे आर्टिस्ट है, अभीक शाह जो है वो और रूपम ने मिलके ये पूरे पंडाल का डिज़ाइन किया है। मूर्ति भी हमारी वहीं से आई है, वहीं से बन के उनकी भी डिज़ाइन उन्होंने किए हमारे आर्टिस्ट।
और पूरी टीम 2 महीने से यहाँ है मुंबई में, और 70 से 80 लेबर आए हुए जो कोलकाता से, एक बाम्बू भी कोलकाता से आया हुआ है यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ ये जो कपड़े का बंधा हुआ है वो कपड़ा भी, मतलब यहाँ पे एक पिन भी कोलकाता से आई है, ऐसा है कि पूरी की पूरी कोलकाता को मैं यहाँ ले आई हूँ। और ये एक पूरा एक महल बनाया है पूरा, जहाँ पे ये ऐसा लगेगा कि स्टोन कार्व करके हमने मूर्तियाँ बनाई हैं। ये देखिए ये बाम्बू वाम्बू सब हम कोलकाता से लाए हैं। एक चीज़ भी, मतलब हम चाहते थे कि वहाँ पे जैसे पंडाल बनती है एग्जैक्टली हम वहाँ पे इसे ऐसे बनाए। अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है पंडाल, काम अभी भी चालू है, बट मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये ऊपर हमने ना LED स्क्रीन लगाया है सीलिंग पे, ताकि आपको लगे कि आप महाकाश देख रहे हो अंदर से। और यहाँ पे एक वाटर बॉडी आने वाला है जो अभी काम कंप्लीट हुआ नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं अभी करना। ये पैलेस तो बन गया है, अंदर से रेडी हो गया है। ये मूर्तियाँ जो हैं ये स्टोन कार्व की ऐसी लगेगी, ये ऐसा लगेगा कि ये स्टोन कार्व करके मूर्तियाँ बनाई गई हैं। हाँ, ये लाइटिंग का ही खेल है। और जैसे कि मैंने कहा, वो सीलिंग देख के ऐसा लगेगा कि हम महाकाश को देख रहे हैं अंदर से। और बाहर से मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ, अभी तक काम पूरा हुआ नहीं है। हमारा फाउंटेन है जो सबसे पहले पंडाल के घुसने से पहले ही आपको फाउंटेन दिखेगा, जहाँ हम देखते थे कि पैलेसेस के बाहर ऐसे फाउंटेन्स हुआ करते हैं। तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक पैलेस के बाहर फाउंटेन भी करूं। ये पूरा थीम जो है वाइट एंड गोल्ड का है, तो ऐसा लगेगा कि ये मेटलिक है। ये अभी पेंटिंग चल रहा है, काम पूरा बाकी है। स्टॉल तो ऐसे रेडी हो गए हैं, बस खाना लगने की देर है। पर बहुत कुछ स्पेशल वहाँ बनने जा रहा है, जो अभी आप देख रहे हो ट्रक से सामान उतर रहा है। यहाँ पे बनेगा एक बहुत बड़ा एयर कंडीशन डोम, जहाँ दोपहर को हम बिठा के लोगों को खाना खिलाएंगे, जहाँ भंडारा होगा, 1000-2000 लोग रोज खाएंगे, और शाम को वहीं पे परफॉर्मेंसेस होंगे। आप सभी को तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ हमारे दुर्गा माँ के, हमारे मुंबई श्री रानी के इस महल में। आप सभी आइएगा 8 से 13 अक्टूबर, कभी भी आइए, दिन में, रात में, शाम में, दोपहर में, कभी भी आइए। यू आर ऑलवेज वेलकम इन माता के दरबार। तो भाई इस साल पूजा और कुणाल और पारस और शौमिता के लिए दुर्गा पूजा है काफ़ी खास। हम तो यही कहेंगे आप भी दुर्गा पूजा का आनंद लीजिए और इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाइए। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जय माता दी। तो चलिए ले लिया है हमने माता का आशीर्वाद, और इसके साथ साथ हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार, लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।